जानने के पहले पहले नंबर टू को देख लेते हैं कि नंबर
क्यों कौन है, तो उसने इंसान के बाद जिसको सबसे ज्यादा इज्जत दी उसका नाम है मलक फरिश्ता। यह है नंबर टू पे, इंसान है नंबर वन पे। अब जरा चलते हैं इस इंसान में जो सबसे पहले जमीन पे आए उनका नाम है आदम, ठीक है, जो सबसे पहले जमीन पे आए उनका नाम है आदम। अब आदम 300 साल तक रोए, अली बकरी से आप पूछ सकते हैं इस कदर गिर जाती आप कि उनके आंसुओं से जमा पानी में परिंदे अपनी प्यास बुझा लिया करते थे। ये हिस्ट्री की किताब से पढ़ रहा हूं, मुझे सुन्नी सुन रहा हो, शिया सुन रहा हो, देवबंदी सुन रहा हो, बरेली सुन रहा हो, यही हकीकत किताब में है। हाथ अपने जानों पर इस कदर मारा 300 साल में कि गोश्त और हड्डियां जुदा होने लगी। पता चला कि जिस्म पर हाथ मारा जा सकता है, सबब सही होना चाहिए। एक जुमले को समझते चले जाने, हड्डी और गोश्त जुदा होने लगे। जिब्राइल आए, सवाल किया क्यों परेशान है, का जिब्राइल तुम्हें तो मालूम है कि वो करके औला का बोझ तन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो वो परेशानी की क्या बात है। जिन नामों के सदके से आपको खिलाफत मिली थी उन्हीं नामों के सदके से तौबा कर लीजिए, अल्लाह कबूल कर लेगा, ठीक है ना। तो अब सिखा कौन रहा है, नंबर टू, सीख कौन रहा है, नंबर वन। ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है, तो इसका मतलब नंबर वन का चेहरा कहीं और छुपा हुआ है। काश मैं समझाता हूं अपने जवानों को, मैं दलील देता हूं, सारी दलीलें दे रहा हूं आपके सामने, ठीक है। आगे चलिए, नूह जख्मों से चूर है, जिब्राइल नाजिल हुए। बात हो रही है नूह और जिब्राइल के दरमियान, बड़े परेशान है आप, कहां जिब्राइल, देखो पत्थरों में ढका हुआ, इतने जख्म है। अब नूह ये सोच रहे हैं कि जिब्राइल अभी खबर देंगे कि अल्लाह ने कहा है कि अजाब नाजिल होने वाला, परेशान मत होइए। मगर यहां उल्टी खबर है, जिब्राइल कह रहे हैं अल्लाह बहुत खुश है, आप जो ये तबलीग का काम कर रहे हैं करते रहिए। कहा जिब्राइल इतने जख्मों को देखने के बाद भी ये बात कि मैं तबलीग का काम करता रहूं, कहा किस जख्म की बात कर रहे हैं, कहो मैं जिस्म पे आप खुद देख रहे हैं। अपने परों को मस किया, जहां जहां से जिब्राइल पर मस करते नूह के जिस्म के जख्म ठीक हो जाते। यहां शिफा फरिश्ता दे रहा है और नबी को शिफा मिल रही है, यानी नंबर टू शिफा दे रहा है और नंबर वन का दर्द दूर हो रहा है। पता चला कि कहीं और वो चेहरा छुपा हुआ है जो सारी दुनिया के होने का सबब है। खामोशी से मुझे सुनते रहिए ताकि मैं जब जुमला मुकम्मल करूं तब आप बोले, पूरी तवज्जो चाह रहा हूं। आगे बढ़िए, देखिए मूसा, ये देखिए मूसा, फिरौन की पूरी फौज भाग रही है, मूसा अपने चंद साथियों के साथ जा रहे हैं। सामने क्या है, सामने है दरियाए नील। अल्लाह पे भरोसा हो तो ऐसा हो कि सामने नील है मगर मूसा ने रास्ता नहीं बदला। मालूम है कि जो हमारा खुदा है वो जानता है कि मैं अपने लिए नहीं भाग रहा, उसके रास्ते में जा रहा हूं, तो मेरे सामने दरिया भी होगा तो वो मौत के लिए नहीं होगा, जिंदगी के लिए होगा। काश मैं आपको समझा पाऊं। आप उम्मीद का सही चेहरा अगर देखना है कि आशा और विश्वास किसे कहते हैं, तो मूसा को देख लो, आगे दरिया पीछे दुश्मन, मूसा दौड़ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले तो रास्ता हुआ नहीं ना दरिया नील में, पहले अगर हुआ होता तो ये मालूम होता कि चलो पहले रास्ता हो चुका है, अभी हो जाएगा। मगर खुदा को मालूम है कि जो मेरे लिए दौड़ रहा है वो मदद मांगे उससे पहले मदद पहुंच जानी चाहिए।
इसीलिए अल्लाह ने जिब्राइल को बसूरत बशर बशकल इंसान भेजा। जनाबे जिब्राइल घोड़े पे सवार होके आगे दरियाए नील में रास्ता पहला घोड़ा जो दाखिल हुआ वो जिब्राइल था, जिब्राइल आगे मूसा पीछे, नंबर टू आगे नंबर वन पीछे। कुछ समझ में आ रही बात? पूरी रात पढ़ता चला जाऊंगा जहां आपको मैं ये दिखाऊंगा कि नंबर टू आगे होगा नंबर वन पीछे होगा। परवरदिगार कोई तो दरवाजा ऐसा होगा जिसे देख के पता चले कि इंसान होते कैसे हैं। तो आपको ये दिखाता भी है मगर जमीन पे नहीं। आओ चलो मेराज की मंजिल पर जाते हैं। जाते हुए मेराज पर एक जगह जिब्राइल खड़े होके कहते हैं नबी अल्लाह इससे आगे नहीं बढ़ सकता। मोहम्मद आगे बढ़े, जिब्राइल ठहर गए। कसम खुदा की अगर ये वाकया ना होता तो पता ही नहीं चलता कि नंबर वन कौन है और नंबर टू कौन। मैंने बहुत कम लफ्जों में पूरी मजलिस आपके सामने पढ़ी। ये जो सफर है, सोचे ना, मैं मुसलमानों को दावत दे रहा हूं, सोचे क्या ये मुमकिन है कि जो सफर में एक जगह रुक जा रहा हो और कह रहा हो कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, मेरी जात और मेरे वजूद में ताकत नहीं है जो तेरे कदमों के साथ कदम मिला सके। पता नहीं, मैं आपको शायद नहीं समझा पा रहा। तो जब जिब्राइल खुद डिक्लेयर कर रहे हैं, ऑफिशियल डिक्लेरेशन है जिब्राइल की कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता और मेरा रसूल आगे जा रहा है, ऐसा कैसे मुमकिन है कि जो पीछे रह जाए वो आगे जाने वाले को पढ़ाए, जो पीछे रह जाए वो आगे जाने वाले को सिखाए? ये मुमकिन आप में से नहीं है। अच्छा आप ये देख लो, जिब्राइल जहां खड़े गए वहां से कुरान नाज़िल हुआ है या जिब्राइल जहां नहीं जा सके वहां से कुरान नाज़िल हुआ है? यही से सोच लो, यही से दिमाग अपना सही करके सोचो कि मकसद क्या है। जिब्राइल जहां ठहर गए वहां से कुरान नाज़िल नहीं हुआ, कुरान वहां से नाज़िल हुआ जहां तक मोहम्मद गए। कहां से मैं समझाता हूं, बड़ी सारी सी मिसाल आपको दे रहा हूं। आपने गौर किया, जब रसूल वहां तक जा रहा है जहां से कुरान आ रहा है तो फिर वो कैसे कुरान सिखा सकता है जो खुद पीछे रह गया हो? दुरूद पढ़े मोहम्मद। मैं आपके सामने कोई सफाई नहीं दे रहा, मैं आपके सामने सवाल छोड़ रहा हूं। और सवाल मैं मिल्लत के सामने नहीं, आपकी के सामने, क्योंकि मजलिसे जाहिलों के लिए नहीं पढ़ी जाती, आकिलों के लिए पढ़ी जाती। अगर आपके पास अकल नहीं है तो आप नहीं समझ सकते कि क्या पढ़ा जा रहा है। आपको पहले आकिल होना होगा। हमारे यहां बेवकूफ मौलवी के पीछे बोल कर भी नमाज नहीं पढ़ी जाती, क्यों? इसलिए कि अकल पहली शर्त है। इसे भी छोड़ दीजिए तो हमारे यहां मुर्दे को भी कहा जाता है सुन और समझ। ये हमारा मुर्दे से कहना कि सुन और समझ इस बात की दलील है, ये कहना इस्मा सुन मतलब कान खराब नहीं हुआ, इफ़हाम समझ मतलब दिमाग खराब नहीं हुआ। हुज़ूर, इस्लाम के मुर्दे ऐसे हैं तो इस्लाम के जिंदे कैसे होंगे? सुन और समझ, दिमाग खराब नहीं हुआ। जब कौम का दिमाग खराब नहीं हो सकता तो रहबर का दिमाग कैसे खराब हो? रहबर का दिमाग रहबर का कैसे खराब हो? मेरे साथ रहिए ताकि मैं बात बहुत कम लफ्जों में कंप्लीट कर दूं आपके सामने। तो बात आपके समझ में आ रही है, इस जमीन पर वजूद बशरियत के उस इफ्तिखार को जिसे अशरफुल मखलूकात कहते हैं, किसी ने अगर उसका इंट्रोडक्शन कराया है और पहचान कराई है तो उसे कहा जाता है अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रॉब्लम क्या है हमारी, हम सब मुसलमानों की प्रॉब्लम क्या है?
कि हम मुतशाबे हाथ पर ज्यादा गुफ्तगू करते हैं मुहक्कमात करने में। हमारी प्रॉब्लम यह है कि जो नेसेसिटी है उस पे हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं उन चीजों पे जो हमारी नेसेसिटी नहीं है। अगर हमने जाते मोहम्मद को समझा होता तो हम दो नहीं एक होते। प्रॉब्लम तो ये है कि जब आंखें बदलेंगी तो चीजें भी बदल जाएंगी। मैं रामलीला मैदान को दाईं तरफ से देख रहा हूं तो मुझे आधी भरी हुई दिख रही है, कोई उधर पीछे के गेट से देख रहा है तो मुझे आधी खाली दिखाई दे रही है। अगर मोहम्मद को देखना है तो कुरान की आंखों से देखो, अगर मोहम्मद को देखना है तो उनकी आंखों से देखो जो खुद मोहम्मद की आंखें हैं। आपने गौर नहीं किया मैंने क्या कहा, अगर मोहम्मद को देखना है तो कुरान की आंखों से देखो या फिर उनकी आंखों से देखो जो खुद मोहम्मद की आंखें, ताकि तुम्हें पता चले कि मोहम्मद कब मोहम्मद है। आप और मैं कौन होते हैं ये तय करने वाले कि वो बचपन में नबी हुए या वो जवानी में नबी हुए या वो लड़कपन में नबी हुए। हम होते कौन है तय करने वाले भाई साहब? भाई किसी यहूदी ने तय नहीं किया कि मूसा कब नबी हुए, किसी ईसाई ने तय नहीं किया कि ईसा कब नबी हुए। ये मुसलमानों में कहां से शौक जाग गया कि हम ये तय कर दें कि वो नबी कब से। आपसे कोई पूछ ले तो हुजूर आप मुसलमान कब से, तब तो आप कहेंगे क्या बात आप कर रहे हैं हुजूर, मेरे दादा भी मुसलमान, पर दादा भी मुसलमान, 700 साल का इतिहास मुसलमान। आप बताइए, यानी आप ये मानने को तैयारी नहीं है कि मुसलमान के पहले भी कुछ आप थे, तो फिर रसूल के लिए ये क्यों बहस कि वो रसूल होने के पहले क्या थे। मैंने मुंबई में जुमला जुमला कहा कि अगर आप ओहदे रिसालत सिफत मानेंगे तो वक्त तय करना पड़ेगा, जात मानेंगे तो वक्त खत्म हो जाएगा। अब ये आपको देखना है कि आप रिसालत को मोहम्मद की सिफत मानते हैं या मोहम्मद की जात मानते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखिए ये जो मिंबर है ना, ये खिताबत की जगह नहीं, वकालत की जगह, और वकालत में लफ्जों का इस्तेमाल होता है। आप समझे कि ना समझे, मगर जहां तक मेरी बात जा रही है वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपसे सवाल करूं मेरे दोस्तों, आप मुझे बताएं दूध कब से सफेद? कब से दूध सफेद? आप कहेंगे तिल्ला, क्या दूध काला भी होता है? दूध तो सफेद ही होता है, तो जब से है तब से सफेद है हुजूर। क्यों? आप कहेंगे ये सफेदी सिफत नहीं है, उसकी जात में। तुम्हारी खामोशियों हमसे कहा जाता है कि हम मोहम्मद का तस्किरा नहीं करते, हम करते हैं आज मोहम्मद का तस्किरा। आप बताइए कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। मैं पूरी दुनिया इंसानियत को बताना चाहता हूं हमारा अकीदा, हम रिसालत को मोहम्मद की जात समझते हैं, सिफत नहीं समझते। दूध जब से है तब से सफेद है, चूंकि ये सफेदी उसकी जात में शामिल है, इसीलिए मोहम्मद जब से है तब से हादी है, इसलिए कि ये हिदायत उसकी जात में शामिल है, ये हिदायत उसकी जात में है। आप समझ रहे हैं? ये जो मछली का अभी अभी बच्चा बाहर आया है, इसे तैरना किसने सिखाया? किसने सिखाया इसे तैरना कि पानी में कैसे तैरा जाता है? किसने बताया इसे? आपने कहा हुजूर ये भी तो बताने की चीज है, ये तो अल्लाह ने उसकी सृष्टि में वसीयत किया हुआ है, ये चीज तो उसकी जात में उतरी हुई है। कमाल की बात है, आप चरिंद परिंद दरिंद हैवान इंसान की जात और वजूद को मानते हैं, फिर मोहम्मद की वजूद और जात को क्यों नहीं? दुरूद पढ़े मोहम्मद। सुनो अजमत रिसालत पर सबसे बड़ी दलील देकर अपने मसाइब पे आ जाऊंगा।
और मेरे जहां जहां तक आवाज जा रही, मेरे हिंदू भाई भी अगर मुझे सुन रहे हैं, मैं इस्लामिक इतिहास की पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूं। रसूल की नमाज लिखे थी, पढ़ाई किसने पढ़ाई? मौलानी। मैं उन सारी बातों पर बहस नहीं कर रहा कितने थे और कितने नहीं, मैं सिर्फ इस बात पर बहस कर रहा हूं कि पढ़ाई को कैसे पढ़ाए। आप पूछिए, उलेमा बैठे, जाइए कुरान देखिए, तफसीर उलेमा से पूछिए, मालूम कीजिए कैसे पढ़ाए। वो जितने मौजूद थे वो रसूल के इर्द गिर्द खड़े हो गए और उन्होंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरे बोल रहे थे इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लम तस्लीमा। हम में से अगर कोई मौजूद होता तो हम तो कदम पकड़ के कहते मौला से कि मौला, ना तो हमारे बरादरान अहले सुन्नत ऐसे नमाज बरियत पढ़ाते हैं, ना बरादरान अहले शिया ऐसे नमाज बरियत पढ़ाते हैं। तभी का आवाज आएगा खामोश, तू मुर्दे की नमाज बरियत पढ़ाता है। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा तुम्हारे सामने, मैंने पूरी वजीफ तुम्हारे सामने पढ़ दी, तुम मुर्दे की नमाज बरियत पढ़ाता है उसकी तकदीरें अलग होंगी। ये मुर्दा नहीं है, ये जिंदा है, जिंदा है मोहम्मद, जिंदा है अल्लाह की कसम। पूरी कायनात मिल के मोहम्मद की मीम की भी तारीफ करे ना, कायनात खत्म हो जाएगी, मोहम्मद की मिदह खत्म नहीं होगी। देखते हुए 20 साल पहले मैंने एक जुमला पढ़ा, अल्लाह ने कोई वजूद बनाया ही नहीं जिस पे मोहम्मद ने लिखा, अल्लाह ने कोई वजूद बनाया ही नहीं जिस पे मोहम्मद ने लिखा। सर को मीम बनाया, हाथों को हे बनाया, कमर को मीम बनाया, पांव को दाल बनाया, हर इंसान के जिस्म पे मोहम्मद लिखा हुआ है। उसने वजूद खल्क ही नहीं किया मगर ये कि उसके जिस्म पर मोहम्मद लिखा। और माफ कीजिए अगर इस मोहम्मद के किसी एक हर्फ में भी कमी है तो वो नाकिस कहा जाएगा। मैंने बहुत बड़ा गंगा कहा। फिर वो अली सीना कहते हैं कि उसने फिर चेहरे पे अली लिखा, आंखों को ऐन बनाया, नाक की लंबाई को लाम बनाया, निचले हिस्से को ये बनाया, इधर भी अली लिखा और इधर भी अली लिखा, वजूद पे मोहम्मद लिखा, चेहरे पे अली लिखा। मोहम्मद को हटाओगे तो वजूद खतरे में पड़ जाएगा, अली को हटाओगे तो वजूद की पहचान खतरे में। पहचान खतरे में पड़ जाए, ठीक है। अब सवाल ये है कि इतना प्यारा नबी, इतना बड़ा नबी, इतना बाअज़मत नबी कहां से आया और किसका है और कैसा है? तो चलो खुद मोहम्मद से पूछ लेते। तो मोहम्मद ने चंद लोगों की पहचान बताई, हुसैन अमीनी, अब जो फिर आगे क्या है, यही तो फर्शियाज़ा का सत्ता है कि तुम्हें हदीस याद है, यही तो फर्शियाज़ा का सत्ता है, यही तो सत्ता है, यही वो मजमा है जिनकी माओ ने 1400 बरस में जुल्म सहे मगर इमाम नहीं बदला। इतिहास गवाह है। अभी 8 सालों की बात है, 8 सालों जितने मोहम्मदी मुसलमान थे, जितने
अली के चाहने वाले मुसलमान थे, जितने हसनी और हुसैनी मुसलमान थे उन सबको बसरा से लेकर और शाम के तमाम शहरों में, बॉर्डर के तमाम शहरों में चुन चुन कर मारा गया। मैं शिया नहीं कह रहा, मैं मुसलमान कह रहा हूं। कुछ लोग ये गलत फहमी रखते हैं कि सीरिया में शिया, नहीं नहीं नहीं, वहां मौलाई मुसलमान आपने बहुत ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, वहां मौलाई मुसलमान। जब मौलाई मुसलमान मुश्किल में था तो फिर मौला का गुलाम खामेनाई वहां से बोला हम जिंदा आए। तो मैं बहुत ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, मौलाई मुसलमान परेशान थे सीरिया, सीरिया में मौलाई मुसलमान चाहते जा रहे थे। आप जुमले की कदर करना अगर कर सको तो, मौलाई मुसलमान काटे जा रहे थे और यहूदी मुसलमान काट रहे थे। मैंने पूरी जंग आपके सामने बयान कर दी, यहूदी मुसलमान, ये यहूदी मुसलमान क्या है अब आप स्टडी कीजिएगा और समझते चले जाएगा कि यहूदी मुसलमान क्या होता है। ठीक है, अल्लाह की कसम, तलवारें 1400 वर्ष से चल रही हैं, मगर जिनके गले में मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन यानी पंजतन पाक की मोहब्बत है ना, 1400 वर्ष से तलवारें चली मगर इनकी गर्दनें नहीं कट पाई, इनकी गर्दनें नहीं कट पाई। क्यों? इसलिए कि इनकी जिंदगी, इनकी ईमान, इनकी मोहब्बत पूरी दुनिया में मशहूर है, अहले बैत के चाहने वाले लोग। आज हमारे बरादरान ने जो सुन्नत पंजतन का तज़किरा करते हैं, आप पंजतन आराम से कह देते हैं मगर वो सिर्फ पंजतन नहीं कहते, पंजतन पाक कहते। हमारे बरादरान ने जो सुन्नत सिर्फ पंजतन नहीं कहते, पंजतन पाक कहते। क्यों? क्योंकि और भी बहुत सारे पांच खड़े हो जाएंगे, छह खड़े हो जाएंगे, मगर उनमें कोई पाक नहीं होगा। यही वो पंजतन है जिनका जिक्र करने के बाद सारा मुसलमान कह देता पाक अल्लाह के। बस वक्त हो गया है, एक दो बातें रखो शायद के कहेंगे। कायनात में सबसे बड़ी और अजीम शख्सियत है मेरे रसूल की, जो मुसलमान में रसूल से वाबस्ता है, अल्लाह की कसम वो अपनी जमीन का भी वफादार है, अपने मुल्क का भी वफादार है और अपने मौला का भी वफादार है। मगर जो रसूल से हट गया वो ना फिर मुल्क का वफादार है, ना मालिक का वफादार है, ना मौला का वफादार है। मैंने बयान कर दिया उसे जो बयान करना था। अब इस रसूल से पूछे कि इनकी नजर में हुसैन क्या है, फरमाते हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। कमाल की बात है भाई, पैगंबर ने सबके लिए कहा है कि ये मोहम्मद है, मगर हमारे 13 मासूमों में से किसी एक के मजमूए कलाम से आप नहीं दिखा सकते कि इन्होंने कहा हो कि हम मोहम्मद। इन्होंने कभी नहीं कहा कि हम मोहम्मद जैसे। वो किसी ने पूछा भी, मौला ये कैसे मुमकिन है कि सब मोहम्मद? आपने फरमाया उठा कुरान, उसने कुरान उठाया, कहा खोल बीच से, उसने कुरान खोला, कहा बता कौन सी सूरा और कौन सा पारा, उसने कहा फला सूरा फला पारा, कहा बंद कर दे, उसने बंद कर दिया, कहा दोबारा खोल, उसने दोबारा खोल, आप पता कौन सा पारा कौन सी सूरा, उसने कहा पला पारा पला सूरा, आपने फरमाया बंद कर दिया, उसने बंद कर दिया, आपने कहा फिर खोल, उसने फिर खोला, कौन सा पारा कौन सी सूरा, उसने कहा पला सूरा पला पारा, आपने कहा कुरान तो नहीं बदला ना, कहां बैठे हो यार, बार बार पढ़े लिखे मजे में पढ़ रहा हूं, हां बार बार पारा बदला सूरा बदली मगर कुरान तो नहीं बदला ना, उसने कहा नहीं बोला कुरान नहीं बदला, पारा बदलाओ सूरा बदली, उन्होंने कहा जिस्म बदलेगा, नाम बदलेगा, जमाना बदलेगा, हमें मोहम्मद नहीं बदलेगा।
दुरूद पढ़े मोहम्मद। पेश करने के लिए आए हैं जिन्हों की मातादारी शुरू हो जाए। बड़ा बड़ा अजीम मकाम है मातादारों का, सरदारों चाहे वो कोई। हिंदुस्तान तो इतना खूबसूरत मुल्क है, आपको पता है जितनी आजादी से आप यहां आजादारी करते हैं, आपको पता है हिंदुस्तान में हिंदू ताजियादार है, हिंदुस्तान में दलित ताजियादार है, हिंदुस्तान में ब्राह्मण ताजियादार है, हिंदुस्तान में गुप्ता कार्यादार है, हिंदुस्तान में अलग अलग जातियां, अलग अलग प्रजातियां, अलग अलग कास्ट क्रीड कल्चर कलर के लोग ताजियादार हैं। इस शहर में भी हिंदू ताजियादार हैं। ये वो खुशबू है जिसे इंसान कबूल करता है, मगर जिन्हें खुशबू अच्छी नहीं लगे उसे समाज बीमार समझता है। बस चलता हूं मैं मसायब की मस्जिद पर जहां खुद रसूल कहते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मेरा मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। कोई चाहता था कि कुरान कुरान न रहे, कोई चाहता था कि अजान अजान न रहे, कोई चाहता था कि तकबीर तकबीर न रहे, कोई चाहता था कि दीन दीन न रहे, मगर हुसैन ने कहा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये मुमकिन नहीं है। और हुसैन ने कर दिखाया कि आज मस्जिद भी बाकी है, कुरान भी बाकी है और अजान भी बाकी है। मगर जो चाहता था कि हुसैन को कत्ल कर देगा और जबान शरीयत बंद हो जाएगी, मैंने जुमला कहा तो होता है हुसैन को कत्ल कर देगा और जबान शरीयत बंद हो जाएगी, वो देखता रह गया कि कर्बला में जिस्म बोल रहा था, शाम में सर बोल रहा था। और नहीं क्या मेरे मतलब अल्लाह की कसम, 10 साल बाद कर्बला शहर के जुमले को सोचोगे तो कहोगे मैंने क्या कहा। हुसैन के गुफ्तगु में जब हम शिया बात करते हैं या हम सुन्नी बात करते हैं तो बस ये कहते हैं नौ के नेजा पे तलावत, नौ के नेजा पे तलावत, नौ, इससे आगे हम कुछ नहीं बोल पाते, मगर हम कमी करते हैं। हुसैन का जिस्म कर्बला में बोल रहा था और हुसैन का सर शाम में बोल रहा था। कर्बला में जिस्म बोल के दिखा रहा था हमें बोलने के लिए सर की जरूरत नहीं, शाम में सर बोल के दिखा रहा था हमें बोलने के लिए जिस्म की जरूरत नहीं, क्योंकि इस सर और जिस्म का रिश्ता तो उन लोगों का कटने से कट जाता है जो मर जाते हैं। फिर गौर नहीं किया आपने, बहुत बड़ा जुमला मैंने कहा, जो मर जाते हैं मगर जो जिंदा रहते हों उनका रिश्ता नहीं कटता। अब मुझे इस चाहने वाले मजमे को बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि हुसैन का जिस्म कब बोला। जब एक बेटी अपने बाप को ढूंढ रही थी, इलैया इलैया या बुनैया, ये आवाज सर से नहीं आई थी, ये आवाज जिस्म मुतहर से आई थी, सर नहीं था। और वो जो तिलावत की आवाज थी वो सर से आ रही थी, वहां जिस्म नहीं था। कुछ समझ रहे हो? हुसैन अपनी शहादत के बाद अपनी जिंदगी दिखा रहे हैं, जो दीन के लिए कुर्बान होता है अल्लाह उसे मरने नहीं देता। आप देखें जब गुफ्तगु हुई है भाई और बहन में, बताए मैं बस छोटी सी दो जुमले अगर महसूस कर सको, देखो मुझसे साथ सुना मत करो, महसूस किया करो। मसाइल सैयद सज्जाद कहते फूफी अम्मा खुद को संभाल, फूफी अम्मा काफिला संभालना है। मेरे लाल मैं कैसे खुद को संभालू? एक दिन ऐसा था जब मैं आंगन में थी, सूरज की किरणें मेरे चेहरे पे पड़ रही थी, मेरा भैया घर में आया, अपनी अबा का दामन लेकर खड़ा हो गया कि सूरज की किरणें मुझ पे ना पड़े,
और सैनब के आराम में खलन ना हो। आज वही मेरा हुसैन मेरे सामने है और मेरे पास चादर मौजूद नहीं है। बहुत सारे अरब कुतबा और ईरान के कुतबा ये जुमला पढ़ा करते हैं, कहती है करारे रहना भैया, अगर तू कहे तो मैं आसमान से तेरे लिए कफन मंगवा दू। लाशी मुतहर से आवाज आई, नहीं जाएगा अमामा था लूट लिया गया, कफन था लूट लिया गया। मुझे नहीं पता इलाहाबाद वालों समझ पाओगे कि नहीं, जैनब अंगूठी थी उंगली काट ली गई। अगर मसाज को सुन लेते हो ना, अब मुझे देख के जरा समझना, अंगूठी क्यों नहीं उतरी? इसलिए कि उंगलियां सूज गई थी। उंगली क्यों सूजी थी? इसलिए कि सहम गई था। तुमने तो ये सुना ना कि उंगली काटी गई, मगर छुरी से उंगलियां नहीं काटी जा सकती जब तक के पत्थर का इस्तेमाल ना किया जाए। इससे ज्यादा मैं मसाया तुम्हारे सामने नहीं पड़ सकता। जदा खोला खुदा तुम्हें कोई दम ना दे सिवाय गमे से शोभा के। मैं नौ करूं सहन का, मैं तुमसे नहीं कहूंगा यूं क्रिया करो, मैं तुम्हें कोई कसम नहीं दूंगा। तुम जानो जहरा जाने, तुम जानो हुसैन जाने, मगर अपनी माँ बहनों को ये जुमला हत्या कर रहा हूं। आखिरी अयाम है, आने वाली तारीख खुद रसूल खुदा की है, आने वाली तारीख खुद इमाम हसन की है। यहीं से शुरू कर रहा हूं ताकि मसाइब की सारी रिवायत सुना सकूं। खतीब को आलम खाब में इमाम हसन फरमाते, तू मेरे मसाइब नहीं पढ़ता। वो कहता मौला मैं तेरे सारे मसाइब पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं तुझे जहर दिया गया, मैं पढ़ता हूं तेरा जनाजा उठाया गया और फिर वापस लाया गया, मैं पढ़ता हूं तेरे जनाजे पे तीरों की बौछार हुई, तू मेरी मुसीबत नहीं पढ़ता। वो कहता मौला तू ही बता दे तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है। इमाम फरमाते हैं मुझ हसन की जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत के मैं 7 बरस का खड़ा देख रहा था दरवाजे में आग लगाई जा रही, मैं 7 बरस का देख रहा था मेरी माँ का पहलू शिकस्ता हो गया। जज़ाकुम अल्लाह, चलो सलाम कर हुसैन को, चलो हुसैन की खिदमत में चलते हैं। आज जब अंजुमन चलेगी, आज जब जवान मातम करेंगे, हकीकत में इनके वालिदैन देखेंगे, इनकी बहनें देखेंगी, इनकी माए देखेंगी। बजरा गौर करना और सोचना उस अली अकबर के बारे में जिसके लिए मैंने खुद किताबों में पढ़ा है। मदीने में एक शख्स ने अली अकबर की मौजूदगी में हुसैन से सवाल किया, मौला दुआ कर दे कि मुझे खुदा अली अकबर जैसा बेटा दे दे। इमाम सवाल करते हैं ये बता, अगर इस जैसा बेटा तुझे खुदा दे देगा और उसके पांव में कांटा चुभेगा तू बर्दाश्त कर सकेगा? वो कहता मौला अगर इस जैसा बेटा हो और पांव में कांटा चुभे कोई बाप बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हुसैन ने कहा यही मेरा अकबर होगा, यही मेरे हाथ होंगे। नबी की बेटी होती है, कहीं अली की बेटी, कहीं हुसैन की 4 साल की सकीना। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शोदा के। बोले हुसैन ने करबला के मैदान में आसमान देखा, बेटा सामने खड़ा है, बाबा मरने की इजाजत दे दे। मेरे लाल तू शबीए रसूल है, मेरे लाल तुझे कैसे जाने दू। मगर कुछ यूं हुआ कि अकबर को इजाजत मिली, मगर फिर यूं हुआ कि अकबर माँ के सामने खड़े हुए। मैंने पढ़ा है जब अली अकबर अपनी माँ के सामने खड़े हुए, मेरे लाल मान क्या मानता है, नहीं तुम्हें जुमले नहीं सुनाता, तुम मुझे देखो ताकि समझ सको। जब तक अकबर ने नहीं पुकारा तब फिजा कहती है लैला को दिखाई दे रहा था, मगर जैसे ही अली अकबर ने कहा अम्मा सलाम, लैला ने रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया।
अपने हथेलियों के दरमियान अपने बेटे के चेहरे को लेकर फरमाया, लाल मां क्या मांगता है, तूने 18 बरस में मुझसे कुछ नहीं मांगा। अलीअकबर ने जबान खोली, बोला, मां मरने की इजाजत दे दे, मैं लाल मांगा भी तो मौत की इजाजत मांगी। बोला अलीअकबर मैदान में आ गए। उलमा फरमाते हैं पहला शहीद है अलीअकबर, जिस पर हुसैन सीधे नहीं गए, कभी दाहिने जाते थे कभी बाएं जाते थे, जबान पे था अली अली अली। हमीद में उसने कहता, मैं दौड़ के गया, हुसैन ये बताओ किस अली को पुकार रहे हो, अपने बाबा अली को या बेटे अली को? ए हमीद, मुझे मेरा अलीअकबर दिखाई नहीं देता। जुमले सुन लो और फिर खुदा बच्ची की, बच्ची की अनी में उंगलियां पे बस की। हुसैन ने बच्ची देखी, हाथ देखा, बच्ची निकालना चाहा, औलाद गौर करना, बच्ची निकालना चाहा, हाथ छोड़ दिया, चूंकि हुसैन देख रहे थे बच्ची अकेली नहीं आएगी, बच्ची तना नहीं निकलेगी। और फिर यूं हुआ कि बच्ची निकली, मगर अलीअकबर का कलेजा साथ में आया। बोला अलीअकबर दुनिया से चले गए, अब मैं तुम्हें तो रिवायत सुनाने जा रहा हूँ, बस ये बताने के लिए कि एक बेटे की मोहब्बत बाप के दिल में कितनी थी। तारीख कहती है, जालिम अपने दूसरे जालिम दोस्त से कहता है, मैंने आपने एक अजीब चीज देखी। वो कहता, क्या देखा? मैंने देखा हुसैन अलीअकबर को बेपनाह चाहते हैं। उसने कहा, हाँ ये बात सच है, पर मैंने एक अजीब चीज देखी। मैंने जहां जहां अलीअकबर का सर रखा, मैंने देखा हुसैन की आंखें उधर उधर जा रही है। मैंने अलीअकबर के सर को ऊपर रखा, हुसैन की आंखें ऊपर थी। अकबर के सर को नीचे रखा, हुसैन की आंखें नीचे। दाएं रखा, मैं चाहता हूं हुसैन को और अजियत दूं। वो कहता, दाएं अब क्या अजियत देगा जब सर काट चुका है? वो कहता, नहीं, मैं आज की रात अलीअकबर का सर अलग रखूंगा। उसने सर अलग रखा। दूसरे दिन सुबह को संदूक में अकबर का सर गई। गिरफ्तारी के निजालिम ने ताजियाना उठाया, सज्जाद की पुष्ट ताजियानों से छलनी हो गई। या अली मदद कह के खड़े हो गए। उस संदूक के पास आए, संदूक खोला, अपने बाबा के सर को देखा, भाई के सर के साथ अब बाबा। सज्जाद की पुष्ट में ताकत नहीं बची, वहां बाप का सर बेटे से कहना था, मेरे लाल। जालिमों ने कत्ल के बाद भी अहले बैत को सताने की कोई तरकीब नहीं छोड़ी। अल्लाह लानतुल्लाह अल-क़ौम अज़-ज़ालिमीन وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ